I need a moment to get my breath back. Honorable Rashtrapati, pranam in our own tradition. And thanks, shukriya, to all the dignitaries who are there on the manch at this moment, and all the awardees, Mubarakbad, and all the artists and technicians, all of you in the hall. Makes me overwhelmed, really. बहुत ज़िंदगी में कम मुकाम आते हैं ऐसे, और ख़ास तौर पे एक अदीब और राइटर के लिए जिसका काम ही लफ्ज़ों से खेलना है, उसके पास लफ्ज़ ना हो या वो कौन सा लफ्ज़ चुने अपना आभार, अपना शुक्रिया जताने के लिए। आप सबको मुबारकबाद और विशेष शुक्रिया कहते हुए, जिनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि कोई शख्स ऐसे मुकाम पर अकेले कभी नहीं पहुँचता। अगर आप साथ ना होते तो कभी ना पहुँचता। मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि जहाँ से ये सफ़र शुरू किया, बहुत बड़े बड़े गुरुजन जिनसे सीखने का मौका मिला, और सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ उस गुरु का जिनका नाम बिमल रॉय है, और जिन्होंने हाथ पकड़कर मुझे मामूली सी जगह से उठाया और अपने साथ ले लिया और कहा कि चलो इस रास्ते चलें। उनके साथ साथ आपको भी वो नाम तो याद होंगे, उन तमाम गुरुजन के, सलील चौधरी, सचिन देव बर्मन, हेमंत कुमार, ऐसे ऐसे लोग वाकई किसी खुशकिस्मत को मिलते हैं, और मैं बड़ा नाज है अपनी किस्मत पर कि ऐसे गुरु मिले, ऐसे उस्ताद मिले जिनके साथ सफ़र शुरू किया। लेकिन ये सफ़र ऐसा है कि चलते चलते बहुत देर तक रहनुमाओं के कदम नज़र नहीं आते, वो रहते नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता से मिट जाते हैं, और चलते चलते जब लगा कि हाँ अब आगे रहनुमाओं के कदम नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे हम उम्र, मेरे हम असर, मेरे कंटेम्प्रेरीज जितने थे उन लोगों ने हाथ पकड़ लिया, उनके साथ चला, ज़रूरी है कि मैं उन्हें याद करूं। और उनमें आर डी बर्मन पंचम, लक्ष्मीकांत जी, कल्याण जी भाई, मदन मोहन जी, ऐसे ऐसे लोग, राजा मास्टर इलिया राजा, खुशकिस्मत हूँ कि उनके साथ काम किया। डायरेक्टर्स लाइक मणिरत्नम, जिनका नाम मणि सर के है बगैर मुकम्मल नहीं होता। एंड देन केम अलोंग, इससे पहले कि मैं थकूँ, फिर कुछ ये आपकी जनरेशन यंगस्टर्स की, जो जिन्हें आज ये नाम मिले हैं, इन्होंने हाथ पकड़ लिया, जिसमें रहमान, ए आर रहमान, जिन्हें मैं उस वक्त मिला था जिस वक्त वो इलैयाराजा के साथ असिस्ट करते थे, हमारे बड़े पंडित रविशंकर जी, अली अकबर खान साहब, इन सब ने हमारा संगीत, हमारा म्यूज़िक पहुंचाया था दूर तक, दुनिया में, विश्व में। रहमान शायद पहला शख्स है जिसने हमारे फिल्म म्यूज़िक को वर्ल्ड मैप पे ले जाकर रख दिया। फिर विशाल,
शंकर शंकर और एहसान और लॉय, ये एक म्यूजिक के तीन कमाल के चेहरे। शांतनु, जो शांतनु मोहित्र जिन्होंने अभी अवार्ड लिया है, फिर डायरेक्टर्स लाइक राकेश, मेरी बेटियां बैठी हैं मेघना, शी मेड सम मीनिंगफुल सिनेमा इन आर ओन कैपेसिटी, देन शाद अली, ये तमाम लोग जिसे मिल जाए वो कैसे रह सकता था। मेरा ख्याल है आप लोगों ने हाथों से उठा के मुझे वहाँ पे रख दिया और मुझे ये सम्मान दिया। बड़े दौर देखे इस दौर में, हैरत होगी आपको कि वो ज़माना जिस ज़माने में गाना रिकॉर्ड करते हुए फिल्म नेगेटिव पर रिकॉर्ड करते थे उसका पॉजिटिव बनाते थे तब जाके प्रोजेक्टर पे सुना करते थे, आज आप उसे टेलीफोन के ऊपर बैठे हुए सुनते हैं, उसी पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो नॉस्टैल्जिया साथ में ज़रूर रहता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नॉस्टैल्जिया में बसना कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अब जब मुझे कई बार पूछा जाता है कि वो ज़माना कहाँ है जब आप मोरा गोरंग लिखा करते थे, तो सच पूछिए तो क्या किया जाए, आप हर बात SMS पर करते हैं, आप ईमेल पे करते हैं, आप फ़ोन पे बात करते हैं और चाहते हैं कि मैं फिर भी लिखूं वही डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, किस डाकिए को पहचानेंगे आप तो पहचान ही नहीं पाएंगे। 39वीं 44वीं 50वीं मंजिल पे बैठते हैं, वहाँ पे रहते हैं और मैं कहूँ कि तू तुलसी मेरे आंगन की, कौन सा आंगन और कौन सी तुलसी। सिनेमा से हम वो नॉस्टैल्जिया को अगर ज़रा सा छोड़ देंगे, आगे तो चलना है और उसके लिए तेवर देखिए इस जनरेशन के, ये जनरेशन, ये काबिल, आज की जनरेशन जिस एनर्जी के साथ काम कर रही है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि उस्ताद अमजद अली खान साहब तशरीफ़ रखते हैं, मैंने उनके साथ काम किया, उनसे सीखा और उन छोटे बच्चों को बड़े होते देखा और उनकी एनर्जी देखता हूँ आज। अमान और अयान दोनों बड़े हो गए, तो कहीं ना कहीं हमें इस तरफ ये करवट तो लेनी होगी, और सिर्फ उस नॉस्टैल्जिया में रहें तो सही नहीं है। और ये मैं बड़ी ईमानदारी से राष्ट्रपति मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये फिल्म वाले लोग जो हैं ये बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं और बड़े ईमानदार लोग हैं। मुझे अपनी सोसाइटी में दो जगह नज़र आती हैं, एक हमारी फोर्सेस हैं आर्मी और दूसरे ये फिल्म वाले, जहाँ पे कभी धर्म मज़हब नाम पे बैर नहीं देखा। मैं यकीन मानिए मैं इस फिल्म फैकल्टी के लिए इनके सेकुलर होने की कसम खा सकता हूँ, इनकी कसम पर जीता हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इनका हिस्सा हूँ और ये मेरे हिस्सेदार हैं, बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।